विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं। जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इनडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है।